वेलकम दोस्तों, सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कानून की आवाज में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज काम की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप मेरा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे आपको नए नए ज्ञानवर्धक वीडियो जो कानून की आवाज में अपलोड होते हैं उसकी जानकारी आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों आज बात करते हैं 207 एमयू एक्ट। 207 जो एमयू एक्ट है उसमें क्या प्रावधान है क्या नहीं है इसे समझे। 207 एमयू एक्ट क्या है दोस्तों, कभी आप ड्राइव कर रहे हो, फोर व्हीलर या टू व्हीलर चला रहे हो, अगर आपके पास कागजात नहीं है, इंश्योरेंस नहीं है, लाइसेंस नहीं है, हेलमेट नहीं है, तो इस चीज में पुलिस अगर आपसे आपकी गाड़ी को रुकवा लेती है तो वह 207 एमयू एक्ट में जब्त कर सकती है। यह प्रावधान है क्योंकि पुलिस 207 एमयू एक्ट में सारे कागजात जांच करती है, इंश्योरेंस देखती है, लाइसेंस देखती है, सारी चीजें 207 एमयू एक्ट में देखती है दोस्तों। उसके बाद अगर पुलिस की कार्रवाई है 207 एमयू एक्ट, अगर पुलिस बैरिंग लगा के या जांच या जो सप्ताह है सड़क सुरक्षा सप्ताह उसमें जांच करती है 207 एमयू एक्ट में ही वो आप मुकदमा आपके खिलाफ आपकी गाड़ी को जब्त करेगी। इसलिए दोस्तों ये चीजें नहीं होने के बाद आपके खिलाफ 207 एमयू एक्ट का चालान भरेगी दोस्तों। इसके साथ साथ आपको बचने के लिए 207 एमयू एक्ट में ये सारी चीजें आपके पास रखना पड़ेगा। इसके साथ साथ आप डिजिटल लॉकर बनाकर भी इन चीजों को आपके मोबाइल में रख सकते हो, वह भी वैलिड है दोस्तों। इसलिए दोस्तों 207 एमयू एक्ट में अगर पुलिस द्वारा कागजात या मोटरसाइकिल जब्त कर ली जाती है तो आप किस प्रकार से छुड़ा सकते हो दोस्तों। अगर आपके पास इंश्योरेंस लाइसेंस या गाड़ी की आरसी नहीं है तो आप के ऊपर चालान ज्यादा कटेगा, लेकिन दोस्तों सबसे कम चालान के लिए आप कोर्ट जाइए, वकील से सलाह लीजिए, वहां से आप अपनी गाड़ी छुड़ाइए। 207 एमयू एक्ट में अगर गाड़ी जब्त हो जाती है तो आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए, कोर्ट में सुपुर्दगी गाड़ी सुपुर्दगी की एक वकील के द्वारा वकील बना के सुपुर्दगी लगाइए, जिससे वहां रखिए कि मेरे पास ये चीज थी लेकिन वहां जिस दिन में गाड़ी चला रहा था उस दिन मेरे पास नहीं थी। तो आप वह कोर्ट में बताने के बाद अगर सारी चीजें आपके पास होती है तो कोर्ट आपके पास आपके न्यूनतम से न्यूनतम चालान करेगा। इसलिए दोस्तों अगर 207 एमयू एक्ट में आपकी गाड़ी जब्त हो जाती है तो आप डायरेक्ट किसी वकील के साथ वकील से सलाह लेकर कोर्ट से आप सुपुर्दगी नामा दीजिए लीजिए, क्योंकि अगर पुलिस द्वारा आप वहां छुड़ाते हो तो आपको ज्यादा जुर्माना भरना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों कभी भी गाड़ी चलाते टाइम ये सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए, कागजात अपने पास रखना चाहिए, लाइसेंस इंश्योरेंस आरसी, और अगर ये नहीं तो आप डिजिटल लॉकर बनाकर भी रख सकते हैं दोस्तों। अगर दोस्तों 207 एमयू एक्ट में आपकी गाड़ी जब्त हो जाती है इस प्रक्रिया से आप छुड़ा सकते हो दोस्तों। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।